हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के कुछ नए कमांड के बारे में। आज हम मॉडिफाई में दूसरे कुछ कमांड देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रेच एंड स्केल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रेच के बारे में बात करूंगा। स्ट्रेच यानी कि किसी की भी चीज़ को खींचना। ठीक है, तो आप कैसे उस चीज़ को खींच सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रेच मॉडिफाई पैनल में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें खास ध्यान रखिएगा कि आप लेफ्ट से राइट सिलेक्ट नहीं करना है इसमें, वरना वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट में जाना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्रेच में आप गए, फिर राइट से लेफ्ट में आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको दबाना है एंटर। उसके बाद किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए जहाँ से आपको खींचना है। तो मैं पॉइंट पकड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं खींचता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ, तो ये खींच जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, स्ट्रेच में जाके सिलेक्ट करना है सिर्फ। कैसे? तो राइट में जाके लेफ्ट में ऐसे सिलेक्ट करके उसके बाद एंटर दबाइए, उसके बाद उसको जहाँ से खींचना है वहाँ से खींच सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कमांड था। अब हम दूसरा कमांड देखते हैं, दूसरा था अपना स्केल। अब स्केल यानी कि किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा करना। ठीक है, तो स्केल भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर देना है। एंटर देने के बाद आपको बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया ये। उसके बाद आप यहाँ पे मैन्युअली भी कर सकते हैं, जितना बड़ा चाह रखना है या छोटा रखना है। ठीक है, आप जैसे कि छोटा रखना है तो आप ऐसे करके यहाँ पे आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बड़ा रखना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर एंटर कर लीजिए, फिर बेस पॉइंट दे दीजिए, और यहाँ पे आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको वैल्यू है तो पॉजिटिव में देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे छोटा कर दिया। अगर आपको इससे भी थोड़ा अलग करना है तो आप स्केल में जाइए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए आपकी जो चीज़ है वो 100 mm की है। ठीक है, तो अगर आपको 100 mm को 30 में कन्वर्ट करना है, यानी जो 100 mm लेंथ की जो चीज़ है उसको 30 mm में लेंथ में आपको स्केल करना है, 30 mm में आपको उसको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 100, तो वो फैक्टर या फिर वो रेशियो कितना आया, 0.3 रेशियो आया, तो आपको यहाँ पे पुट कर देना है 0.3 और एंटर करना है, तो वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इसको बड़ा करना है तो वही फॉर्मूला है, सिलेक्ट कीजिए, फिर एंटर कीजिए, बेस पॉइंट दबाइए। अब इसको कितना बड़ा करना है, अब मान लीजिए आपको इसको 30 mm बड़ा करना है, यानी कि आपकी जो 100 mm की चीज़ है उसको 130 करना है, तो 130 डिवाइडेड बाय 100 यानी आएगा 1.3, तो आप यहाँ पे कर दीजिए 1.3 और एंटर कर दीजिए, तो वह 1.3 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेशियो में बात करनी पड़ेगी, जैसे मैं जो ओरिजिनल करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सब करना पड़ेगा। एंटर करके आप बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए, उसको 100 करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे उसको अगर मुझे 70% बढ़ाना है तो 70 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.7 पर एंटर कर दीजिए। ठीक है, ये तो छोटी हो गई क्योंकि 0.7 एक से कम है। अगर इसको मुझे ज़्यादा बड़ा करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्केल में जाके सिलेक्ट करने के बाद, यहाँ पे बेस पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा 1.7। ठीक, तो बड़ी हो जाए, तो उसके हिसाब से आपको जो भी स्केल रखना है आप स्केल यहाँ पे रख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्केल में गए, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, फिर बेस पॉइंट आपने दे दिया। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, कॉपी। कॉपी यानी कि अगर मैं यहाँ पे इतना स्केल कर रहा हूँ तो मुझे इसको भी कॉपी करना है और पहले वाले को भी कॉपी करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इतना रखा और एंटर दे दिया, तो देखिए पहला वाला ये रहा, उसका स्केल ये रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी भी कर सकता हूँ। और इसमें और एक चीज़ आती है, रेफरेंस करके। ठीक है, पर हमें ज़्यादा उसमें जाना नहीं है,
क्योंकि वो ज़्यादातर चीज़ काम की नहीं है, यहाँ पे रेफरेंस आएगा पर वो ज़्यादा काम की नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो इतना आप याद रखिए, सीखिए, ट्राई कीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।